guy. I just can't get enough of it. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know. Assalamualaikum everyone, guys, kya haal hai my YouTube family. आज हमारे किचन में बनने जा रही है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो मैंने ली थी एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाला था 1 कप ऑयल और मैंने उसमें डाल लिया था 1 kg चिकन। चिकन को तब तक अच्छी तरह से ऑयल में भूनना है जब तक ये पिंक से वाइट हो जाए, तब तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है ऑयल के अंदर। तो मैं इसको स्टिल फ्राई करी जा रही थी ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए और इसकी जो खुशबू थी वो एक मज़ेदार आ रही थी मुझे मसलसल। और टमाटर मैंने ले लिए थे 2 और मैंने जब तक टमाटर अच्छे से अपना पानी जो है मत छोड़ दें, तो मैंने इसको ऊपर से डाम के रखना है। आँच रखनी है बिल्कुल हल्की ताकि चिकन ना लगे नीचे से। तो अब मैं इसके ऊपर टमाटर का छिलका कर रही हूँ रिमूव, ताकि जो है एक अच्छी सी मज़ेदार ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बन जाए। तो छिलके हो चुके हैं रिमूव। अब टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 1 tablespoon अदरक का पेस्ट और 1 tablespoon लहसुन का पेस्ट जा रहा है चिकन कढ़ाई के अंदर। और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद चॉप किया हुआ ऑनियन और ग्रीन चिली 3 से 4 कटी हुई चली गई हैं कढ़ाई के अंदर। और इन सारी चीज़ों को, इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मैं कर रही हूँ मिक्स, ताकि अच्छे से हो जाए इसके अंदर मिक्स। और ये मैंने डाला था 2 tablespoon लेमन पानी, लेमन का रस। तो इसको अच्छी तरह से मैं कर रही हूँ मिक्स, ताकि एक अच्छी तरह से एक ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बन जाए। तो अच्छी तरह से ये हो रहा है मिक्स। और मसाले मैंने गरम मसाले ले लिए थे, गरम मसाला आई थिंक जैसे कि लौंगें होती हैं, उसमें शाही ज़ीरा होता है, दालचीनी और ब्लैक पेपर गोल वाले, इन सारों को मैंने कर लिया था ग्राइंड। और ये चला गया इसके अंदर 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मैंने कर लिया मिक्स। और ये जो है जो मैंने आपको मिक्सर बताया था, उसमें मैंने जो है साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया उन दोनों को भी अच्छी तरह से साफ करके पेस्ट बना लिया था। अब सॉल्ट जाएगा इसमें, जो नमक आपने डालना है इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। तो नमक मैंने डाला था सबसे एंड में, नमक आपने जितना डालना है आप डालें, जितना आपको बेटर लगता है तो आप इसमें नमक डालें। बस ये सारे मसाले जाएंगे, सिंपल से मसाले हैं बट बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी, सो यम्मी। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर पानी ताकि अच्छे से हो जाए मिक्स। तो अब मसाला ऊपर से डाल के मैंने इसको दम पर पकाना ज़्यादा बेटर समझा था, तो मैंने इसे 20 से 30 मिनट के लिए, घर का कोई भी तवा पर आना वो मैंने रख के, इसके ऊपर मैंने इस तरह से मैंने इसको कर लिया था पैक, ताकि अच्छी तरह से इसको दम लगे और ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी चिकन जो है वो कुक हो जाए, कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो मैंने इसको दम पर पकाया था, बट इज़ सो यम्मी रेसिपी। तो आप लोग यही वाली रेसिपी ट्राई करें, बनाएं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। एंड में मैंने इसके ऊपर ग्रीन धनिया और जो है ग्रीन चिली डालकर मैंने इसको गार्निश कर लिया था। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट्स भी करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को किस किस तरह की रेसिपी चाहिए। और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। और ये है इसकी फाइनल लुक और बहुत यम्मी बना था। और आप लोग चाहें तो घर की रोटियाँ बना लें घर में, या आप लोग चाहें तो बाहर से भी मंगवा लें, बट इज़ सो यम्मी। और घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए भी ये है परफेक्ट। तो इसलिए